नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। धीरे धीरे ही सही, पर जिंदगी अपनी राह पर आ रही है। वो सपने जो देखे थे मैंने धुंधले से, अब साफ होने लगे। आगाज बहुत पहले का है, पर कदम उन खुशियों में आज रखा है मैंने। वो चेहरा जब मुस्कुराता है तो जिंदगी मुस्कुराती है। माँ ने सही कहा था कि सुख नहीं टिकता तो दुख भी कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। बस अब सब यूं ही चलता रहे, खुशियां रास्तों में हो, कोई दुख करीब से भी ना गुजरे। यूं तो दुखों से लड़ना भी सीख लिया है मैंने, पर अब ऐसा विश्वास है कि मानो सब हाथ की लकीरों में है और जिंदगी साथ है। बहुत मिन्नतें की थी जिंदगी से हमने, लो अब उसने हाथ थामा है। माँ ने सही कहा था, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है मानो मेरी जिंदगी को उसकी मंजिल मिल ही गई। से देखें तो अमीर घरानों और बड़ी बिजनेस फैमिलीज की दुनिया परियों की कहानी जैसी खूबसूरत और चमकदार दिखाई देती है, लेकिन वो जिंदगियां जो पैसे, रुतबे और शानो शौकत के पीछे सांस ले रही होती हैं, वही जानती हैं कि उनके दुख भी आम इंसान के जैसे ही हैं, जो हर पल उनका दम घोट रहे हैं। क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में हम आपको कानपुर के एक ऐसे ही बड़े स्टील कारोबारी परिवार की बहू स्तुति साहनी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसकी जिंदगी परियों की कहानी से निकलकर कब वैशी दरिंदगी की दास्तां बन जाएगी, शायद इसका अंदाजा सही मायनों में उसे भी नहीं था। सर, शांत होकर बताइए क्या हुआ है, क्या बात है? सर, मेरी वाइफ को 4 गुंडों ने किडनैप कर लिया। सर, अरे क्या हुआ? आयुष, मुझे सर्दी और जुखाम हो रखा है, एसी से प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज एसी बंद करके विंडोज खोल दीजिए ना। जैसा आप कहें मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ ना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, हो सकता है मेरी बीमारी तुम्हें लग जाए। अब मैडम, जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है, तो दूर जाने की बात हो तुम भूल ही जाओ, और ज्यादा दूर जाने की बात की ना तो मैं अभी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। आके दिखाओ। हाँ आयुष, अरे क्या हुआ? तुम भी ना, रास्ता है, लोग हैं, कोई देख लेगा तो। ओ, 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 सारा मजा इसे दे दे क्या? थोड़ा हमें भी दे दो। अबे साले, मेरी बीवी है, तमीज से बात कर। ए, गाली दे रहा है, रुक ना गाड़ी। आ पता, आ पता मुझे तेरी, तो दिखा दो तुझे और तेरे छमिया को। हाँ देखता हूँ क्या बताता तू। आयुष, वो गुंडे हैं, आप नहीं, उतरना मत आयुष। अरे इनको बताता हूँ मैं अभी। कहाँ हुआ ये सब? सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एरिया के पीछे। आपने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया था या फिर कोई वीडियो या फोटो? सर, सब कुछ इतना जल्दी, मैं बहुत घबरा गया था सर, दिमाग में ही नहीं आया कि उनके गाड़ी का नंबर नोट करूं सर। अच्छा, जब वो लोग आपकी वाइफ को किडनैप करके लेकर गए, आपकी वाइफ का फोन उनके पास था? हाँ सर। अपनी वाइफ का नंबर और अपनी गाड़ी का नंबर दोनों लिख कर दीजिए इसमें। आपकी वाइफ का कोई फोटो होगा आपके पास? हाँ सर, हाँ सर, सही है।
इनकी कार को सर्वेलेंस पे डालो और इनकी वाइफ के फोन नंबर को ट्रैकिंग पे डालो। क्या नाम बताया अपनी वाइफ का? स्तुति। स्तुति, उनके फोन को ट्रैकिंग पे डालो, अगर फोन ऑन है तो हो सकता है उसकी लोकेशन हमें मिल जाए। ठीक है सर। सर मिल तो जाएगी ना सर? देखिए हम लोग कोशिश पूरी करेंगे। आप उस सुनसान जगह पर करने क्या गए थे? सर मैं और स्तुति डिनर पर गए थे, उसके बाद उसने कहा कि उसको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। सर इस वक्त शहर में बहुत ट्रैफिक रहता है तो मैं उसको उस रोड पर लेकर गए। कितनी देर पहले हुआ ये सब? सर तकरीबन एक डेढ़ घंटा पहले। एक डेढ़ घंटा पहले? आपकी वाइफ को एक डेढ़ घंटा पहले किडनैप कर लिया गया और आप अब आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए? आपको मौका वारदात से फोन करना चाहिए था ना। सर मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत घबरा गया था सर। मैंने पापा और चाचा जी को फोन किया था सर, बल्कि इन्होंने ही कहा कि मुझे पुलिस स्टेशन आना चाहिए। सर वहाँ बहुत देर तक लिफ्ट के लिए वेट करता रहा, फिर एक बाइक वाले ने लिफ्ट दी। और उसी बाइक वाले ने आपको पुलिस स्टेशन छोड़ा? नहीं नहीं सर, सर उसने मुझे चौक पर छोड़ दिया था, वो फिर अपने रास्ते निकल गया, मैं यहाँ आ गया सर। उन लोगों की कुछ शक्ल देखी थी आपने? कोई भी हुलिया वगैरह कुछ भी याद है हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता पाएंगे? सर सब कुछ इतनी सर जल्दी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, झगड़ा हो रहा था सर। सर पर थोड़ा बहुत मुझे याद है, वो मैं बता सकता हूँ सर। सिंह सर स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। ओके सर। रुको, हम लोग पहुंच रहे हैं। ओके सर, पेट्रोलिंग टीम को इनकी गाड़ी कानपुर उन्नाव के पास जो कच्ची सड़क है वहां मिली है। सर मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। सर मुझे स्तुति का बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज सर। चलो पीछे रहिए, कुछ मत बोलिए, पीछे रहिए। पासवान बहुत बेरहमी से मारा है, पूरी बॉडी पर वार किए हैं, सर से लेकर पेट से गले तक हर जगह। इतने अमीर आदमी की बहू थी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे गहने पहने होंगे, लेकिन बॉडी पर सिर्फ चेन और पेंडेंट बचा है, मतलब बाकी सारे लेकर गए। लेकिन ये दोनों क्यों छोड़ दिए? सर बॉडी जिस तरह खून में लथपथ है सर, हो सकता है कि ये चेन और पेंडेंट इन्हें दिखे ही ना हो। आसपास कहीं पर भी कत्ल के हथियार का कोई निशान नहीं है, मतलब पूरी सफाई से काम करने के इरादे से आए थे लोग। सर आयुष ने कहा था कि स्तुति आगे वाली सीट पर बैठी थी, फिर अपने आप पीछे कैसे आ गई? उन लोगों ने पीछे खींचा होगा, लेकिन उसके हाथ की उंगली काटने का क्या मकसद हो सकता है? सर हो सकता है कि अंगूठे निकालने की कोशिश की गई लेकिन नहीं निकली हो तो उंगली काट दी हो। मतलब ये सब लूटपाट के इरादे से हुआ, तो फिर सबसे कीमती चीज़ ये गाड़ी क्यों छोड़ गए दोनों? सर हो सकता है कत्ल करने के इरादे से ना आया हो लेकिन कत्ल हो गया और फिर एक घबराहट में गाड़ी छोड़ कर चले गए। सर मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लूटपाट का मामला है, कुछ तो क्या। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास इस रोड पे जहां भी जो भी सीसीटीवी फुटेज मिले सब अरेंज करो। ठीक है सर। हमारी पूरी टीम अपराधियों को पकड़ने में लग गई, शहर में चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग उनको जल्दी पकड़ लेंगे। पोस्टमार्टम और कुछ और फॉर्मेलिटीज के बाद बॉडी आप ले जा सकते हैं। आयुष मुझे मालूम है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर उन अपराधियों के अधूरे स्केच अगर तुम पूरे करवा सको तो उन्हें पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। आपको अभी भी स्केच की पड़ी है? My wife is dead. कल देर रात कुछ लुटेरों ने इस शहर के सबसे बड़े स्टिल्किंग प्रियम साहनी की बहू स्तुति साहनी की हत्या कर दी है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्तुति के पति आयु साहनी भी उनके साथ थे। सर तो बताइए ना, अचानक से सब कैसे हुआ? सर ये दुश्मनी का एंगल है सर। क्या आप इसे पुलिस प्रशासन की नाकामी भी मानेंगे? मैं पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि वो गुनहगारों को पकड़ के सजा दे पाए। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। प्रियम साहनी की बहू स्तुति साहनी आज अपने जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल रही है।
स्तुति को कल रात कुछ गुंडों ने पहले तो अगवा कर लिया और फिर लूटपाट के इरादे से उसकी हत्या कर दी। भाई साहब, आपने तो कहा था कि आयुष और स्तुति का एक्सीडेंट हुआ है और चूंकि स्तुति को चोट ज्यादा लगी है इसलिए वो आईसीयू में है। फिर ये सब भीड़ कैसे? भाई साहब हम नहीं चाहते थे कि आपको कोई सदमा लगे। आप लोग आइए, आप लोग आइए ना, आइए। एक मिनट आइए। स्तुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर 14 बार चाकू से वार किया गया और सर चाकू की इंटेंसिटी को देखकर लगता है कि पूरी ताकत से मारा गया और सर उसके बाएं हाथ की रिंग फिंगर को भी काटा गया। बॉडी पर सभी जगह चोट के निशान है। किसी तरह की जबरदस्ती या रेप का कोई निशान? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पासवान, जितनी बेरहमी से इसे मारा गया और ये चाकू के घाव, लगता है ये लोग इसे मारने के इरादे से ही आए थे, क्योंकि लूटपाट के लिए कोई इतनी बेरहमी से खून नहीं करेगा और उसकी बॉडी पर किसी तरह की जबरदस्ती का भी कोई निशान नहीं है। जबकि आयुष का कहना है कि ये झगड़ा श्रुति को छेड़ने को लेकर शुरू हुआ और अगर लूटपाट का भी मामला है तो सबसे कीमती चीज इनकी कार, ऐसी छोड़ कर चले गए वो लोग। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्तुति की फैमिली की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो, दुश्मनी का बदला लेने के लिए स्तुति का मर्डर किया गया। बाय द वे सर, हमें स्तुति के हाथ में एक शर्ट का बटन मिला है और कुछ बाल भी मिले। बालों को प्रिजर्व करके रखो, डीएनए टेस्ट के काम आएंगे अगर कोई सस्पेक्ट हाथ लगता है तो। ओके सर। कानपुर में हमारा स्टील का बहुत बड़ा कारोबार है, बिजनेस कंपटीशन तो लगा रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मेरी बहू को मार के चला जाएगा और बेटे को छोड़ देगा। और यहाँ कानपुर में हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं है, किसी को हम जानते तक नहीं यहाँ पर, और हमारी बेटी तो यहाँ बहुत खुश थी। स्तुति के साथ आपके संबंध कैसे थे? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव? सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। अभी 1.5 साल पहले तो हमारी शादी हुई थी। ऑफिस के काम के चक्कर पे मैं बहुत बिजी रहता था सर, उसको टाइम नहीं दे पाता था, पर हर संडे मैं उसको घुमाने के लिए लेके जाया करता था सर। लास्ट संडे हम लोग रेन डांस के लिए गए थे सर। लास्ट संडे भी मैं उसको फिल्म दिखाने लेके गया था और इस संडे हम लोग डिनर पर गए थे। आयुष, मैं सोच रही थी कि इस राखी में मैं जबलपुर अपने घर चली जाऊं, अपने भाइयों को और कजिन्स को राखी बांधने। और वैसे भी वो शिकायत कर रहे थे कि जब से मेरी शादी हुई है मैं उन्हें भूल ही गई हूं। अरे तो एक काम करो ना, उन लोगों को कानपुर बुला लो। यार तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और मैं जो तुम्हारे बिना अकेली घर पर रहती हूँ वो? अरे यार, उतना तो करना ही पड़ेगा ना, वरना जब कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे? वैसे मैडम, 1.5 साल हो गए हमारी शादी को, पता है पापा क्या पूछ रहे थे? पापा क्या? आयुष, तुम भी ना बहुत बातें बनाने लगे। सर, सच कह रहा, स्तुति से बहुत प्यार करता था सर। मैं उसको उस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उससे एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था मैं। सर, उस दिन भी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था,
पर उसके कहने पर मैं गया। काश काश अगर मैं नहीं गया होता तो आज वो हमारा भी। कौन से रेस्टोरेंट में गए थे आप? डाइन आउट रेस्टोरेंट। यस सर। 14 जुलाई की रात का सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। ओके सर। इसके अलावा आप और कहीं सीसीटीवी लगा है रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे है। दिखाइए वो फुटेज। यस सर। ये अपनी बीवी को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? आसान सर, आसपास की सारी दुकानों में पता करते हैं, जहां जहां पर सीसीटीवी लगा है उसका फुटेज देखते हैं, पता करते हैं ये यहाँ से निकल कर गया कहाँ था। आप अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? सर मुझे वहाँ थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, इसलिए बाहर टहले गया था। बड़ी जल्दी खत्म हो गई आपकी घबराहट, क्योंकि आप रेस्टोरेंट से निकल कर उसके बाजू वाली दुकान से तो निकले, लेकिन 3-4 दुकान आगे भी नहीं पहुंचे, बल्कि उन्हीं 2 दुकानों के बीच में कहीं पर रुक गए थे। क्या कर रहे थे आप? सर मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ज़रूरी कॉल्स आ गए थे, तो उनसे बात करने के चक्कर में वहीं रुक गया था। और कपड़े वो कहाँ पर बदले? क्योंकि रेस्टोरेंट में तो आप शर्ट में थे, और जब पुलिस स्टेशन आए थे तो टी शर्ट में थे। सर उस दिन झगड़े में मारपीट में मेरी शर्ट फट गई थी, सारे बटन टूट गए थे, इसलिए जब पापा को फोन किया तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए कोई कपड़ा लेते हैं। मारपीट, लेकिन उस रात जब आप पुलिस स्टेशन आए थे तो आपके बदन पर खरोंच तक नहीं थी, पर आपकी घबराहट बड़ी अजीब है, और कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ कपड़े मंगाना याद रहा। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं झूठ कह रहा हूँ? मैं सिर्फ कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वो शर्ट चाहिए जो आपकी मारपीट में फट गई थी। इसलिए लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते। अरे मेरी बीवी का खून हुआ, उसके कातिल को पकड़ने के बजाय आप मुझे को फंसा रहे हैं। पत्नी को बेइंतहा प्यार करने वाला पति, जो हर घड़ी उसकी याद में रो रहा था, उसकी हर बात के अलग पहलू दिखाई दे रहे थे। पुलिस का शक गहराता जा रहा था। पुलिस का पहले से मानना था कि यह कत्ल सिर्फ लूट के इरादे से नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी षड्यंत्र की बू लिए हुए है, और सीसीटीवी की फुटेज ने शक की इस गंध को और बढ़ा दिया। सवाल कई थे, आयु स्तुति को छोड़कर कहां और क्यों गया? इस हादसे की खबर इतनी देर बाद क्यों दी गई? रेस्टोरेंट से पुलिस स्टेशन के बीच में आयुष के कपड़े कैसे बदले? और जो बात शक को सबसे ज्यादा पुख्ता कर रही थी वो ये कि जिस प्यार और अपनेपन का बखान आयुष कर रहा था, वो दोनों के बीच नदारद था। क्या पुलिस सही दिशा में थी या वो भ्रमित हो रही थी? क्या ये केस सुलझने वाला था या फिर और भी ज्यादा उलझने वाला था? आयुष जी, आपको क्या लगता है, आपकी बीवी की कत्ल की वजह लूटपाट है या कुछ और? पुलिस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी क्यों छान रही है? क्या उन्हें आप पे शक है कि कहीं आपने? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ आप लोग हैं जिन्हें किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ पुलिस जो जल्द से जल्द इस केस को खत्म करने के लिए मुझे को फंसा रही है। मैं स्तुति से बहुत प्यार करता था, प्यार करता हूँ, करता रहूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। इसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ तो इसे पुलिस पे भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। केस बहुत हाई प्रोफाइल था, साहनी परिवार कानपुर शहर का जाना माना परिवार था, और ऊपर से पुलिस पर सीनियर्स का भी प्रेशर था, इसलिए पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। सर, आयुष के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि स्तुति के गायब होने के बाद आयुष ने स्तुति के नंबर पर लगातार कांटेक्ट किया था, और सर ये देखिए ये एक नंबर है। आयुष जब रेस्टोरेंट में था तो इस नंबर पर लगातार टेक्स्ट कर रहा था, और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी उसने इस नंबर पर कॉल किया था। किसका नंबर? सर किसी सपना के नाम रजिस्टर्ड है, आयुष के ऑफिस में ही काम करती है। और सर ये रहे वो स्केच जो आयुष ने बनवाए थे। विक्रम, एक क्लू मुझे मिला, ये देखो, ये है क्राइम सीन वाली रोड का सीसीटीवी फुटेज। अब ये देखो, ये रेस्टोरेंट के बाहर का फुटेज, ये बाइक पर ये 2 लोग रेस्टोरेंट के बाहर किसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी देखो, और ये जैसे ही आयुष की गाड़ी आई दोनों निकल गए। अब ये आगे की दोनों दुकानों का फुटेज, रेस्टोरेंट के बाजू वाली दुकान का फुटेज, उसमें से ये बाइक जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2 दुकान आगे जो सीसीटीवी है उसमें नहीं दिख रही।
मतलब वो बाइक इन दोनों दुकानों के बीच में कहीं पर रुकी और इसके 20 मिनट बाद ये आयुष निकला रेस्टोरेंट से, पहली दुकान के सीसीटीवी के सामने से निकला ये, लेकिन आगे वाले सीसीटीवी में नहीं है। इसका मतलब आयुष भी इन दोनों दुकानों के बीच में किसी एरिया में था जहां पर सीसीटीवी नहीं है। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वहां पर आयुष का इंतजार कर रहे थे। विक्रम पता करो ये बाइक किसकी है और ये दोनों लोग कौन है। नहीं सर ये वो लोग नहीं है, मैंने दोनों को पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों रेस्टोरेंट के बाहर रुके हुए थे और जब आप वहां पहुंचे तो वहां से निकल गए और फिर आगे की दो तीन दुकानों के बीच में रुके हुए थे जहां पर सीसीटीवी नहीं था। फिर जब आप बातचीत करके वापस रेस्टोरेंट में गए तब ये वहां से निकल गए। सर सड़क पर बहुत से लोग होते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे या नहीं थे, पर सर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि स्तुति की किडनैपिंग में ये लोग नहीं थे। सर लोग चार लोग थे, उनकी दाढ़ी थी और उन्होंने सर पर एक कपड़ा बांधा हुआ था। सर ठीक है लेके जाओ इन्हें। किडनैपिंग के बाद आपने अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन लगाया था। सर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हेलो हेलो स्तुति स्तुति स्तुति, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर उस दिन मेरा कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए बताना भूल गया। ठीक है विक्रम, सर उन दोनों को जाने दो और अपने आदमी लगा दो उनके पीछे 24 घंटे नजर रखने के लिए। और ये लड़की सपना, इसको थाने बुलाओ, जिसे आयुष रेस्टोरेंट से मैसेज कर रहा था। ओके सर। ये सपना श्रीवास्तव यहीं काम करती है ना? जी हाँ। बुलाइए उसे बात करनी है। सर लेकिन वो ऑफिस अभी तक आई नहीं। सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। रिश्ता तो मैं कह नहीं सकती, पर हाँ सपना आयुष सर के ऑफिस में जब भी जाती है बहुत देर तक रुकती है। कितनी बार तो मैंने उन्हें ऑफिस से एक साथ बाहर जाते हुए भी देखा है। एक दिन तो आयुष सर सपना के क्यूबिकल में आकर उसके पास बैठ गए थे। सर आयुष के ऑफिस में पूछताछ करके पता चला है कि आयुष और सपना इन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये देखिए सर सपना के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इन कॉल रिकॉर्ड्स में हमें आयुष का एक दूसरा नंबर भी मिला है। इस नंबर के बारे में आयुष ने हमें नहीं बताया था। सर सपना नहीं बल्कि और भी दो लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे। पिछले एक महीनों में आयुष ने लगभग सपना को 300 कॉल किए हैं और अनीशा को लगभग 663। ये अनीशा कौन है? सर अनीशा उसकी पड़ोसी है। और सर इन दोनों के अलावा एक लड़की और भी है, कोमल। कोमल को भी अक्सर कॉल किया करता था। अभी कोमल कौन है? सर कोमल उसके घर में काम करने वाली बाई है। क्या वो अपने घर की बाई को भी इतने फोन करता था? क्यों? सर सपना आई है। सर मेरा आयुष सर के साथ में कोई अफेयर नहीं है। जिन लोगों ने भी आपको ये बातें बताई हैं वो जलते हैं मुझसे। उनको कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ दूसरों की बातें बनाते हैं। और आप शायद कुछ ज्यादा ही काम करती हैं, इसीलिए रात को 2 बजे तक घंटों घंटों बातें करनी पड़ती हैं। देखिए आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सर वो मैं सपना जी हमने आयुष के ऑफिस में इंक्वायरी की है, पता चला है कि आप आयुष की कुछ ज्यादा ही फेवरेट थी। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा है। मामला तो यह है कि आपका और आयुष का अफेयर चल रहा था और आप दोनों के बीच में श्रुति रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए आप दोनों उसका खून कर दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुद नहीं किया तो किसी और से करवाया होगा और हमें यह पता लगाने में और साबित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो तुमने किया है ना उसके लिए कितना खून की साजिश, खून में साथ देना, लंबा अंदर जाएगी नहीं? सर मैं क्यों अंदर जाऊंगी? मैं मानती हूँ आयुष सर से मेरा अफेयर था, लेकिन सर वो सिर्फ एक फोर्स था। वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। सर आयुष सर हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सर वो मुझसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते थे। आयुष सर सपना सपना आई लव यू सपना सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन भी वो रेस्टोरेंट से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। सर मुझे ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब बचा रही थी। झूठी कहानी बनाना बंद करो। सच तो ये है कि आयुष से शादी करने के लिए तुमने स्तुति का खून करवा दिया। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुम झूठ भी बोल रही होगी ना तो हम पता लगा ही लेंगे कि स्तुति को किसने और किसके कहने पर मरवाया है, और तब तुम्हारा बचना नामुमकिन है।
पुलिस को शक है कि स्तुति के पति का हाथ हो सकता है स्तुति के कत्ल में। ये कितना सच है या कितना झूठ, ये तभी तय हो पाएगा जब पुलिस अपनी पूरी तहकीकात कर लेगी। अगर इसने कुछ नहीं किया है तो पुलिस इस पर शक क्यों कर रही है? क्योंकि मैं कानपुर के स्टील इंडस्ट्री के किंग का बेटा हूँ। पुलिस कैश कराना चाहती है मेरी इमेज को, मोटा पैसा खाना चाहती है। और न्यूज वालों का क्या, ये तो होता ही है लोगों को बदनाम करने के लिए। भाई साहब, आप हमारे आयुष को गलत समझ रहे हैं। हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो स्तुति से बहुत प्यार करता था। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। स्तुति ने बताया था, तुमने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। पर माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ सुनने तो सही। देखो बेटा, पति पत्नी के बीच में मन मुटाव चलते रहता है। पर माँ, माँ वो मुझे पत्नी मानते ही कहाँ है। सच कहो तो मैं उन्हें समझने की कोशिश करके भी थक चुकी हूँ माँ, मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। रेन डांस के लिए लेकर गए पर पूरा टाइम फोन पर लगे रहे, मुझसे एक मिनट बात तक नहीं की माँ उन्होंने। माँ, समझ में नहीं आता कि वो मेरे साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। और अगर नहीं रहना चाहते तो तुम मुझे जिद करके अपने साथ क्यों लेकर जाते हैं घुमाने? स्तुति बगल में होने के बावजूद ये रात रात भर किसी लड़की से फोन पे बात करता था। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं था, मैं सिर्फ स्तुति से ही प्यार करता था। साहब, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? ये सुनने के लिए कि जब हम तुमसे ये कहें कि तुम्हारा और आयुष का अवैध संबंध था तो तुम कहो कि ये गलत है, झूठ है, लेकिन हमें मालूम है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या हुआ, गला सूख रहा है, पानी चाहिए? कब से चल रहा है ये सब? झूठ मत बोलना, क्योंकि हमको मालूम है कि आयुष के घर में एक नहीं बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, और उन सारे कैमरों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा था। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, देखोगी? दिखाएं। क्या हुआ, उसने तुम्हें बताया नहीं था कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है? देखो, हम ना तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। वो है रईस बाप की औलाद, साफ बच जाएगा। फंसेगा कौन? तू। और हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए वो तुझको फंसा दे और कहे कि तूने ही स्तुति का खून करवाया है। नहीं नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो साहब खुद ही हमारे पास आते थे। साहब, सब कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा, घर पर कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं और तुम। हम तो मजबूर थे साहब, हमें पैसों की भी जरूरत थी, वरना हम ऐसा काम कभी ना करते। ठीक, जाओ। सर, आपने इसे झूठ क्यों कहा कि आयुष ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी? विक्रम, कभी कभी सच उगलवाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मैं तो वो कभी नहीं मानती कि उसका और आयुष का संबंध था। ये तीसरी लड़की कौन है जिसका आयुष के साथ संबंध? सर, अनीशा। अनीशा जी, मैं ही हूँ। आप तो बता सकते हैं क्या बात करनी है? काफी ब्लंट हैं आप। चलिए, आपसे सीधे ही पूछ लेता हूँ, आपका और आयुष का क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या है सर? वो जो बगल में बंगलो है वो आयुष का है और हम पड़ोसी हैं। ताजुब की बात है कि आप अपने पड़ोसी से घंटों बातें करती हैं, वो भी फोन पर, इतना कि एक महीने में 663 कॉल। सर, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है और आयुष मुझसे हर बात शेयर करता है। आई एम श्योर कि फ्रेंडशिप होना कोई क्राइम नहीं है, राइट? तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि ये फ्रेंडशिप कैसी और कितनी गहरी है, और उसके बाद आपको क्राइम की डेफिनेशन भी दे देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, बस निकल रहे हैं घर के लिए। सर, ये आयुष तो काफी रंगीन मिजाज का निकला। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तीन तीन लड़कियों से अफेयर और घर में एक बीवी भी। सर, कहीं यही तो कारण नहीं है स्तुति के मर्डर का? पासवान, तीन तीन लड़कियों के लिए मर्डर करना थोड़ा मुश्किल लगता है,
अपने अब तक के करियर में एक ही चीज देखी है मैंने, मर्डर कोई तभी करवाता है जब किसी एक को पाने की जिद लिए बैठा हो। तो लड़की तो कोई एक ही होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि स्तुति को आयुष की इन रंगरेलियों के बारे में पता चल गया, और क्योंकि आयुष अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार नहीं था तो उसने स्तुति को ही रास्ते से हटा दिया। सर, ये भी तो हो सकता है कि अनीशा, सपना और कोमल, इन तीनों में से किसी एक को आयुष से मोहब्बत हो गई हो, और इन तीनों में से किसी एक ने ही स्तुति को अपने रास्ते से हटाया, क्योंकि आयुष वैसे भी काफ़ी मालदार पार्टी है और शादीशुदा भी, और एक शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी करना पॉसिबल नहीं है। जो भी, एक बात तो पक्की है कि ये खून लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया, और उधर आयुष को देखें तो वो हर बात में हमसे झूठ बोलता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसने जानबूझकर उन दोनों लोगों को नहीं पहचाना। नहीं सर, ये वो लोग नहीं है। चल सर, मैं इन पे नजर रखा था, ये दोनों शहर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको मैं पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आया। आप लोगों ने मारा था साहब स्तुति को, सतीश के कहने पे मारा था साहब। कौन सतीश? साहब, सतीश मर्डर की सुपारी लेता है, इसकी सुपारी भी उसी को मिली थी। स्तुति को मारने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जिनका पहले से पुलिस में कोई रिकॉर्ड ना हो, इसलिए हमको बोला था मारने के लिए। हमें बहुत पैसे बोला था साहब, सारी जिंदगी एड़ी लगन से तो भी नहीं कमा पाते। स्तुति का मर्डर किया सतीश तुम्हारे साथ था? नहीं साहब, नहीं था। हथियार कहाँ से मिले? हथियार तो हमें सतीश ने ही दिए थे, उसने वो चाकू वो सुपर देने वाले आदमी के साथ घंटा घर चौक की दुकान से खरीदा था साहब। सब यही है सतीश, और ये वो आदमी जिसने सुपारी दिया था। क्या नाम है इसका? पता नहीं साहब, सतीश ने अभी कभी इसके बारे में बताया नहीं कुछ। और कहाँ मिलेगा ये सतीश? चुगल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि तूने ही उन दोनों को किसी आदमी से मिलवाया था जिसने स्तुति की मर्डर की सुपारी दी थी। ठीक है, ये देख, उसी आदमी के साथ तू चाकू खरीदने गया था, और उसकी स्तुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ साफ लिखा है कि ऐसे ही दो चाकुओं से उसे मारा गया था। हमें यह भी बताया कि मर्डर के टाइम पर तू वहां नहीं था, तूने ही इन दोनों को उस आदमी से मिलवाया था। कौन था वो आदमी? बोल शैलेश। कौन शैलेश? अनीशा मैम साहब का ड्राइवर है सर। शैलेश आपका ड्राइवर है? जी हाँ। कब से? काफी पहले से, बल्कि जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी तो वो चला गया था, पर काम के सिलसिले में वापस कानपुर आना पड़ा तो मुझे ड्राइवर की जरूरत थी, और शैलेश काम ढूंढ रहा था तो मैंने उसको काम दिया था। बता सकती है अभी कहाँ होगा? बहुत दिनों से वो दिखा नहीं है। आपने कहा कि शैलेश आपका काफी पुराना ड्राइवर है जी, तो उसके शहर का या गांव का कहीं का तो एड्रेस होगा ना आपके पास? हाँ। पासवान सर, अपनी एक टीम फौरन शैलेश के गांव भेजो। ठीक है सर। मेहनत तो देख ली तेरी, बहुत कोशिश की ना भागने की लेकिन पकड़ा गया, और गरीबी भी देख ली, इतना सारा सामान एक साथ घर में, बीवी के लिए मोबाइल फोन, बच्चों के लिए कपड़े खिलौने, सारे गरीब आदमी ऐसी खरीदारी करते हैं। बोल कहां से आया इतना पैसा? देख, जिनको तूने सुपारी दी थी ना, उन्होंने सब उगल दिया है, तेरा नाम भी, और ये भी कि उन्हें बिना कुछ दिए तू फरार हो गया वहां से, और अब तेरी बारी है बोलने की। चल बोल, किसके कहने पर किया ये सब? साहब, आयुष साहब के कहने पर किया था साहब।
आयुष स्तुति को क्यों मरवाएगा? क्योंकि सब वो अनिशा मैडम से प्यार करते थे। सब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे सब। स्तुति मैडम के वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए आयुष साहब ने मुझे मैडम को मारने को बोला साहब। पासवान, हम शैलेश पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है उसका इरादा लूटपाट का ही हो, लेकिन फंस जाने पर आयुष का नाम लगा रहा हूँ, क्योंकि उसे आयुष और अनिशा के संबंध के बारे में सब कुछ मालूम था। ऐसा करो, इसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और आस पड़ोस में पूछताछ करके पता करो कि ये आयुष और अनिशा की लव स्टोरी कितनी चर्चे में थी। तुम इस मोहल्ले के चौकीदार हो ना? जी साहब। ये आयुष को देर रात कभी कुछ ऐसा करते हुए देखा जो अजीब लगा? छोटा मुंह बड़ी बात साहब, पर हमने कई बार रात को आयुष साहब को अनिशा मैम साहब के घर जाते देखा है। आयुष साहब रोज रात को 1 बजे के करीब अनिशा मैम साहब के घर जाते थे और सुबह 4 बजे अंधेरे में ही अपने घर लौट आते थे। सर, मैं मानता हूँ कि मेरा अनिशा के साथ अफेयर था, पर इससे ये बात तो साबित नहीं होती ना कि मैंने स्तुति का खून किया है। साहब, शैलेश को मेरे और अनिशा के बारे में सब कुछ पता था, उसने इसी बात का फायदा उठाया। उस दिन वो लूट के इरादे से आया, उसने देखा होगा कि स्तुति ने उसको पहचान लिया, तो उसने उसका भी खून कर दिया और अब वो मुझे सॉफ्ट टारगेट बना रहा है। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सब कुछ किया धरा शैलेश का है, उसने आपसे भी झूठ बोला है। साहब झूठ बोल रहे हैं साहब, स्तुति मैडम के मर्डर की तैयारी 1 महीने से चल रही थी साहब। 50,000 रुपये देंगे बोले थे, 20,000 रुपये एडवांस भी दिया था साहब, 2 बार उनको मारने की कोशिश भी की थी साहब। वो क्या बोलते हैं ना साहब, वो बारिश में डांस होता है ना साहब, रेन डांस साहब, तभी उन्होंने हमको वहाँ पे 12 बजे बुलाया था वो नदी के पुल के पास, ताकि मैडम को मार के वो पुल में फेंक देंगे। लेकिन साहब पुलिस उस दिन 10 बजे आकर ही बंद कर दी साहब, इसलिए साहब को मैडम को लेके जाना पड़ा साहब। और दूसरी बार साहब, मैडम को फिल्म दिखाने ले गए थे, हम उनको मारने ही वाले थे कि उनको घर से फोन आ गया साहब, इसलिए मैडम को लेके जाना पड़ा और इस एतवार को उनका काम हो गया साहब। आयुष को स्तुति को मारने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि साहब सब वो अनिशा मैडम सब पेट से थी। सॉरी, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी और लॉ के हिसाब से आप लोग मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते। आयुष, क्या ये सच है कि अनिशा प्रेग्नेंट है और आप उसके बच्चे के बाप है? बकवास है ये। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है और वो है मेरी बीवी स्तुति। पता नहीं आप सब लोग मुझे क्यों इतना दुखी करने पर तुले हुए। स्तुति तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? देखो इन लोगों ने मेरा क्या हाल बना दिया है। सर, स्तुति की डेड बॉडी के हाथ में जो बाल मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। सर, वो डीएनए इन चारों के डीएनए से मैच नहीं करता। सर, हो सकता है कि ये बाल आयुष का ही हो सकता है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में अगर ये साबित हो भी गया तो भी आयुष के पास बहाना रहेगा कि जब गुंडों के साथ मारपीट हो रही थी तब स्तुति ने उसे बचाने की कोशिश की और शायद तभी वो बाल उसके हाथ में आया होगा। हमें और ठोस सबूत चाहिए पासवान। जब बड़े लोग फंसते हैं ना तो उन्हें बचाने के लिए और बड़ी बड़ी पहुंचे लगाई जाती हैं। खैर, इसे छोड़ो, आयुष को जरा थाने लेकर आओ। ओके सर। सर, कहाँ से? सर, स्तुति के मर्डर के 1 महीने पहले शैलेश के फोन पर इन 2 नंबरों से लगातार कॉल आ रहे थे और सर इन दोनों फोन में आपस में कॉल्स भी एक्सचेंज हो रही थी। सर, इंक्वायरी से पता चला है कि ये नंबर बरेली के किसी अमित झा के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन सर एक अजीब बात है, इन दोनों नंबर की लोकेशन ज़्यादातर अनिशा और आयुष के घर के आसपास ही दिखा रही है। सर, हो सकता है कि शैलेश झूठ बोल रहा हो, अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर आयुष को फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता करो कि अमित झा कौन है और इसका शैलेश से क्या वास्ता है। अमित झा आप ही हैं? जी हाँ, मैं अमित झा। ये दोनों आपके नंबर हैं?
इसलिए कई दिनों से कानपुर में एक्टिव है। सर मैं कभी कानपुर गया ही नहीं, और रही बात नंबर की तो ये दोनों नंबर मेरे नहीं है। मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। हमने सोचा था हमारी बेटी बहुत खुश नसीब है इतने बड़े घर में जो जा रही है, पर उस घर में उसे एक पल की खुशी तक नसीब नहीं हुई। आयुष उससे कभी प्यार से बात तक नहीं करता था। स्तुति ने मुझे ये बात फोन पे बताई थी कि आयुष का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब वो लोग दोनों हनीमून के लिए गए थे उसके अगले दिन ही उसे ये बात पता चल गई थी, क्योंकि आयुष हमेशा फोन पे बिजी रहता था और मेरी बेटी रात भर रोती थी। आयुष उसके बगल में जाता था पर कभी ये नहीं पूछता था कि क्यों रो रही हो तुम। ये बात मेरी बेटी ने कभी किसी को नहीं बताई। वो अपना सारा दुख अपनी एक डायरी में लिखती थी। क्या हुआ? हटी क्या क्या हो रहा है? तलाशी लेनी आपके घर की। ये क्या तरीका है? ये सर्च वारंट है हमारे पास, चारों तरफ देखो अच्छे से। सर ये डायरी मिली है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे नहीं बोलेगा ना? पासवान सर। यादव मैडम। तेरे खिलाफ हमारे पास एक नहीं बहुत सारे सबूत हैं। शैलेश से कत्ल का हथियार बरामद हो चुका है। वो 5 सिम जिनसे तुम बात करते थे और मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे, उसकी सारी डिटेल्स भी हमारे पास है। रेन डांस और फिल्म देखने वाले दिन भी तू स्तुति का खून करना चाहता था ना, लेकिन हो नहीं पाया। स्तुति ने अपनी डायरी में तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और अपनी माँ को भी फोन करके बहुत कुछ बताया था, इसलिए अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगा ये तुमसे प्यार करता है? तुमने इसके लिए मर्डर तक प्लान कर दिया, और तुम्हें यह नहीं मालूम कि इसकी लाइफ में तुम अकेली लड़की नहीं हो बल्कि हजारों लड़कियां हैं। इसके ऑफिस में काम करने वाली सपना से लेकर इसके घर में झाड़ू पोछा करने वाली कोमल तक, सबके साथ अवैध संबंध है इसके। नहीं अनिशा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। चल अब बता क्या हुआ था उस रात। सर उस दिन रेस्टोरेंट से 10 मिनट के लिए निकल के मैं मोनू और बीनू से मिलने गया था। बीनू और मोनू ने मेरा नाम आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उन्हें किसी भी हालत में बचाने का वादा किया था। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, मैं बताता हूँ जी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं स्तुति को उस दिन आइसोलेटेड रोड पर लेके गया। वो मैंने बियर ज़्यादा पी ली थी तो थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, घबराहट लग रही है। तो मैंने शैलेश को बुलाया है, आ ही रहा होगा अभी, आगे गाड़ी वही चलाएगा। आज मैं तुम्हें ऐसी ड्राइव पर भेज रहा हूँ जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। Enjoy your ride. मुझे उसकी चीख सुननी है। उसकी उंगली क्यों काटी?
अंगूठी चुराने के लिए? अरे नहीं साहब, वो आयुष साहब ने कहा वो स्तुति मैडम से इतनी नफरत करते सुहाग की कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहते साहब साहब, इसलिए उन्होंने उनकी उंगली भी काटने को कहा था जिसपे उनके नाम की अंगूठी पहनी थी। उसके बाद मैंने उससे मोर फोन दोनों अनिशा को दे दी ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन उसे मारा क्यों? डिवोर्स भी तो दे सकते थे ना। वो डिवोर्स के साथ एलिमनी में मेरी आधी प्रॉपर्टी भी ले जाती सर। और सर अनिशा भी तो प्रेग्नेंट थी, इसके पापा भी धमकी दे रहे थे किसी और से शादी करने की। सर हम दोनों 2.5 साल से साथ थे, हम दोनों अलग नहीं होना चाहते थे सर। लेकिन तुम तो स्तुति से पहले अनिशा को जानते थे ना, तो इससे शादी क्यों नहीं की? सर मैं और आयुष शादी करना चाहते थे पर हमारी कुंडली मैच नहीं हुई। क्या बकवास है? जी सर, और इसी वजह से आयुष की फैमिली ने उसकी शादी स्तुति से कर दी। तुम लोग पागल हो क्या? मर्डर प्लान कर सकते हो लेकिन खुद की मर्जी से शादी नहीं कर सकते, कुंडली दोष के कारण। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से एक मासूम की जान चली गई और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। जेल में सड़ना और अपने कुंडली दोष का निवारण करना। सॉरी सर। आयुष सानी को स्तुति के कत्ल, कत्ल की साजिश, सबूत मिटाने और अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 356, 302, 201, 120B और धारा 34 के तहत सजा सुनाई गई और अनिशा धमीजा को कत्ल, कत्ल की साजिश और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 120B, 302 और 210 के तहत सजा सुनाई गई। शैलेश, बीनू और मोनू को अपहरण, कत्ल की साजिश और गहने चोरी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 364, 302, 201, 404 और 120B के तहत सजा सुनाई गई। अक्सर देखा गया है कि पैसे के नशे में मदहोश लोग जुर्म करते हैं ये सोचकर कि पैसे की चमक में उनका अपराध दिखाई नहीं देगा। इसी पैसे के नशे ने आयुष से स्तुति का कत्ल करवाया और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पैसे और रुतबे का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन वो ये भूल गया कि कानून की आंखों पर पट्टी है जो ना अमीर देखती है ना गरीब। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।